आज कहीं माफी तो कहीं इस्तीफा। मंत्री के भाई ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया तो नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने पैर पकड़कर गुरु से माफी मांगी और एक जगह वैक्सीन पहली कुछ और लगी और दूसरी कोई और। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार मंत्री सतीश द्विवेदी के छोटे भाई अरुण द्विवेदी का इस्तीफा हो ही गया। लगातार चौतरफा हमला झेल रहे मंत्री के भाई ने आज सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से निजी कारणों का हवाला देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को उपकुलपति ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर हंगामा मचा था कि आखिर कैसे EWS यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके कोटे में मंत्री के सगे छोटे भाई ने कैसे यूनिवर्सिटी के भीतर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पा लिया और वो भी कोरोना के इस दौर में, यानी कि आपदा में भी मंत्री के भाई ने कैसे अवसर ढूंढा। सतीश द्विवेदी ने सफाई देते हुए कहा था कि किसी को भी नौकरी लेने का अधिकार है और मंत्री का भाई अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मंत्री जैसा ही हो, उसकी आर्थिक स्थिति वैसी ही हो, यानी कि वो गरीब भी हो सकता है। लेकिन जब लगातार बवाल बढ़ा, चौतरफा हमला हुआ, तो आज मंत्री के भाई प्रोफेसर अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दिया और निजी कारणों का हवाला दिया। लेकिन कहते कहते ये भी कह गए कि ब्राह्मण होना उनके लिए गुनाह है। ये बातें सुनी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को इस्तीफा देना पड़ा है, ये निश्चित तौर पर एक बड़े प्रेशर का ही नतीजा है कि ये खबर सामने आई और ये सिद्ध हो गया कि मंत्री के भाई उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में नहीं आते और उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी गलती की थी और इससे सरकार के साख पर भी सवाल उठ रहे थे। आज बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफा दिया और इस्तीफा मंजूर भी हो गया। निरंजनी अखाड़े के गुरु और शिष्य के बीच माफ़ी मांगने और माफ़ी देने की कुछ तस्वीरें आप देखिए। इलाहाबाद के प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े के प्रमुख नरेंद्र गिरी ने कुछ दिन पहले अपने शिष्य आनंद गिरी को परिवार से संबंध रखने और मठ के पैसे का दुरुपयोग के आरोप में उन्हें मठ से निकाल दिया था, साथ साथ अपने उत्तराधिकारी पद से भी उन्हें हटा दिया था। और इसके बाद लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया और अखबार में इसकी चर्चा चल रही थी। जैसे ही निरंजनी अखाड़े के गुरु नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य को हटाया, उसके बाद शिष्य आनंद गिरी ने भी कई तरह के वक्तव्य देने शुरू कर दिए थे। लेकिन आज सब कुछ सुलझ गया। गुरु के पैरों में गिरकर आनंद गिरी ने माफ़ी मांगी और गुरु ने उन्हें अभयदान दिया। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए कि कैसे प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के गुरु के सामने आनंद गिरी ने माफी मांगी है। नमो नारायण, मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार-बार क्षमा याचना करता हूं। और अब आनंद गिरी के इस माफी के बाद नरेंद्र गिरी का भी बयान देखिए और उन्होंने माफ कर दिया। वो अब मठ में आ सकेंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन आ सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुनिए गुरु ने क्या कहा। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा।
और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने भूल के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी शहर में आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खराब से नरेंद्र जी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघ गंभीर गति में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। नरेंद्र गिरी जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, साधु समाज के सबसे बड़े अखाड़ों में एक निरंजनी अखाड़े के हैं और देश के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अखाड़े के प्रमुख हैं। कुछ दिनों से अपने सबसे प्रिय शिष्य से इनका विवाद चल रहा था और गुरु और शिष्य की परंपरा तार तार होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि पूरी मीडिया में कई तरह के किस्से कहानियां सामने आने लगी थी। जब गुरु ने बाहर निकाला तो शिष्य ने भी कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन आज इन दोनों ने माफ़ी और क्षमा का ये वीडियो सामने रखा और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अखाड़ा परिषद के भीतर मचे इस घमासान का अंत हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में वैक्सीन को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। पहला डोज कोविशील्ड का और दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगा दिया गया। सिद्धार्थनगर के औदाही ब्लॉक के सरकारी अस्पताल में 14 मई को जो दूसरा डोज दिया गया, दरअसल वो 20 ग्रामीणों को कोवैक्सीन का डोज लगाया गया, जबकि पहली डोज उन्हें कोविशील्ड की दी गई थी। और जब ये पूरा मामला खुला तो हंगामा मच गया। कई लोगों ने बकायदा जब इसकी शिकायत की और जाँच हुई तो ये पाया गया कि हाँ, 20 लोगों को दूसरे वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई है। इस पूरे मामले पर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ग्रामीणों में इस बात का भय है कि कहीं दो अलग अलग वैक्सीन लगने से उन्हें नुकसान ना हो जाए। हालांकि अभी तक किसी के शरीर में कोई दूसरी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। सारे लोग जिन्हें दोनों अलग अलग वैक्सीन लगे थे वो बिल्कुल सामान्य हैं। अब देखना यह है कि क्या एंटीबॉडी इन दोनों वैक्सीन के अलग अलग बनने पर भी आती है या नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन का कॉकटेल बन गया है। और अब जान लीजिए क्या कहता है कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं और आज एक बार फिर कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3,371 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को गए। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल 62,271 एक्टिव केस हैं और जो संक्रमण दर है वो 1% के आसपास आकर रुक गया है, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 95% तक पहुंच रही है। लगातार कम होते कोरोना के इस मीटर में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर रखा है कि 30 मई तक पूरी तरीके से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा और यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी यानी सभी मंडलों का दौरा पूरा कर लिया और पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा भी उनकी पूरी हो गई है। और अब देखना यह है कि कितनी तेजी से ये सुधार आता है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा चैलेंज ब्लैक फंगस बना हुआ है और लगातार इसके न सिर्फ मरीज सामने आ रहे हैं बल्कि इनमें मौतों का इजाफा भी हो रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।